झारखंड में आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ही एक घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रात के तकरीबन 11:30 बजे एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जहां कुछ युवकों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे धुरवा डैम के पास छोड़ दिया। थाना में शिकायत के बाद ग्रामीण एसपी के द्वारा छापेमारी टीम का गठन किया गया, जहां गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आइए सुनते हैं ग्रामीण एसपी नौशाद आलम का इस पर क्या कहना है। महिला की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाला या इज्जत पर निगाह देखने वाले, गलत निगाह रखने वाले पर रांची पुलिस का सख्त कदम आजकल चल रहा है। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पे इसी सिलसिले से एक कांड दर्ज हुआ है लापुंग थाना में। अभी हाल में ही नाबालिग के साथ उसी के गांव के बगल के कुटका लापुंग थाना में पड़ता है गांव के 3 लोगों ने महिला फुसकला कर यहाँ से टाउन से लेके गए, जगन्नाथपुर थाना एरिया से लेके गए, चूंकि यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रहती थी, यहाँ से पूछता के अपने गांव में लेके गए, चलो तुमको गांव में घुमाना है। चूंकि पहले से भी ये बातचीत इन लोगों का होता रहता था चूंकि बगल के ही गाँव में, और ले जाके इन लोगों के बच्ची के साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया और फिर डरवा धमका के इनको गाड़ी चूंकि मारुति वैन से लोग लेके यहाँ से गए थे रांची से लाकर, नेक्स्ट डे उसको ले आए यहाँ पहुँचा दिए। बच्ची काफ़ी डरी सहमी हुई थी, किसी तरह से ठीक से घर में रह नहीं रही थी। तो एक दिन उसके माँ पिता ने जब पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम क्यों डरी हुई, तब वो अपनी हाल सुनाई और तब फिर वो लोग थाना लेके आए लापू और तब हम लोगों ने केस दर्ज करवाया और डी एस पी साहब हमारे बाकला साहब बगल में पहुंचे हुए हैं। इनको इन्होंने काफ़ी सीरियसली इस मैटर को लिया और हमारा मॉनिटरिंग चलता रहा। सीनियर एस पी साहब को बताई गई थी बात, इमीडिएट जो भी हो इसमें कार्रवाई की, गिरफ्तारी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जागरण गांव राजेंद्र लोहरा और संजीव कुमार जो मारुति वैन भी हम लोगों ने डिटेन किया है। ग्वालिया अभियान में इन लोगों ने अभी तस्लीम भी किया कि हम लोगों ने गिरफ्तार किया और बच्ची का मेडिकल और आगे फर्दर जो है कोर्ट वाली जो कार्रवाई है अभी पूरी हो चुकी है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित करवा रहे हैं। ये पोक्सो के अंदर ये केस हुआ है, काफ़ी सीरियस मैटर था और इसमें कंप्लीट कार्रवाई हो चुकी है।